यहाँ पे दर्शन ने देखो कैसे फाइट कर दी बच्चे के साथ। दर्शन वो बच्चा है, छोड़ दे उसे। सो हेलो दुनिया, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ करता हूँ आप सभी ब्यूटीफुल पीपल का वेलकम करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। सो हमने बहुत ही सक्सेसफुली विदाउट शोइंग फेस चैलेंज कम्प्लीट कर लिया अपने वीडियो ब्लॉग में, और काफ़ी ऐसा मतलब अप्रिशिएट सा फील हो रहा है खुद के लिए कि भाई मैंने वो चीज़ पूरी करके दिखाई, और ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव भी कर लिया है। मतलब बिना फेस दिखाए आपको एंटरटेन किया है और अपना पूरा सपोर्ट दिखा देना, और मुझे ज़रूर बताना इसका मैं पार्ट टू लाऊँ या ना लाऊँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी शक्ल दिखाने से डरता हूँ या मेरी शक्ल पर कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट सुबह मैं एकदम से मैं उठा एकदम से माइंड में स्ट्राइक हो कि चलो ट्राई करते कुछ अलग सा जो किसी ने किया ना हो, तो मैंने वो ट्राई कर लिया और होप करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में डाल ही देना कि भाई आपको उसका पार्ट टू चाहिए या नहीं, अब शक्ल दिखा के ब्लॉगिंग हो सकती है। और ज़रूर मुझे बताना कि इसका पार्ट टू लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों लिफ्ट बंद है यार, आज तो सीढ़ियाँ यूज़ करनी पड़ेगी। तो कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ घर पर। भाई आज बहुत सारा सबमिशन है सिर पर मेरे को, आज बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। चलो घर पहुँचते फिर बात करते, आवाज़ भी नहीं आएगी आपको मेरी। घर पहुंचने के बाद मुझे अब काम पे बैठना है क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड है मेरे सिर पे। और हाँ, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे और दीवार खड़ी नहीं रह पाते, हाँ मैंने इंस्टाग्राम पे पहली बार वीडियो बना के मतलब अपडेट किया है कि दबाई वाला वीडियो आने वाला था जो कुबेर भंडारी का था, तो मैंने अपडेट पहली बार वीडियो बना के किया। मतलब वाह, मैं पहले टेक्स्ट में कर देता था बट मुझे पता नहीं मन में क्या ख्याल आ रहा, कुछ दिनों से कुछ अलग सा करने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने वीडियो शूट करके सब कुछ अपलोड मतलब बोला है यार। मतलब वाह, पहली बार किया विदाउट फिल्टर, नो फिल्टर भाई, मैं कुछ फिल्टर यूज़ नहीं करता यार, ठीक है। और चलो काम पे बैठे, और बहुत सारा वह काम है मेरे को यार, ऐसा काम हुआ मैंने आत्म साथ में ले लिया जामफल या पेरू जो कहेंगे, मम्मी ने दे दिया। और मम्मी यहाँ पे खाना बना, मम्मी आज का खाना क्या बनाने वाले हो आप? मम्मी खाना क्या बनाओगे? चावल मसूर। जोर से आपकी आवाज़ नहीं जाती है, नहीं जाती है। और गाइस मुझे वापस से डॉक्यूमेंट के काम के लिए जाना पड़ रहा है, लिटरली 3 दिन से मैं धक्के खा रहा हूँ यार, कब काम होगा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा यार। चलो जाके काम ख़त्म करके आते, मम्मी मैं आता हूँ। आज हम अपने जुपिटर वाहन पे जाएंगे, ये रही चाबी, और ये चाबी मैंने अंदर, जल्दी जाती क्यों नहीं है? जब बता, जब से व्लॉगिंग चालू की है, ठीक है, और मैं जब से UK07, ठीक है, फिर सौरभ जोशी के ब्लॉग्स भी कुछ कुछ आते हैं जिसमें मोटो व्लॉगिंग करता है, मुंबई कर निखिल भाई, उन सबके मोटो व्लॉग देख के भाई मेरे को अलग से एक अफेक्शन हो गया है। मतलब मुझे मोटो व्लॉगिंग करने की इतनी इच्छा होती है, लिटरली इतनी इच्छा होती है, फिर मेरा एक सपना टूटता है क्योंकि क्योंकि मेरे पास ना ही है हेलमेट, ठीक है, ना ही है GoPro, ठीक है, ना ही है ट्राइपॉड स्टैंड। मैं सोच रहा हूँ जल्दी हेलमेट खरीदेंगे और यहाँ पे मस्त GoPro लगा के मस्त मोटो व्लॉगिंग करेंगे, बट वो सपने को पूरा कर सकते हैं आप, इसलिए प्लीज़ चैनल पे जितने हो सके उतना, नए वाले बंदे प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ही ज़रूर। तो चलो काम खत्म करके आते, अब नीचे उतर, गाड़ी मेन स्टैंड से उतरती नहीं है यार। मुझे डॉक्यूमेंट का काम है, वही डॉक्यूमेंट की शॉप ही पूरी बंद है यार। मतलब हर जगह मेरा पोपट होना ज़रूरी होता है क्या? हाँ यार, मतलब 3 दिन से काम जो मेरा है होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और आज मैं शॉप पे, और पूरी शॉप की शॉप ही बंद है। मतलब हद है, चलो कोई नहीं घर पे जाते हैं, पोपट तो होना ही रहता है अपने साथ। तो यहाँ पे दर्शन ने देखो कैसे फाइट कर दी बच्चे के साथ। दर्शन वो बच्चा है, छोड़ दे उसे। दर्शन छोड़ दे उसे। दर्शन भाई मत लड़ाई कर यार बच्चे से। अबे हट जाओ भाई, बे यार लड़ाई मत करो। अबे यार अलग करो यार उसको, अलग करो। शांति आराम से भाई। अरे व्लॉग का छोड़ भाई, वो रो रहा है, आराम से बैठ जा भाई, बैठ जा। क्या हुआ? बंद करो। क्यों भाई, क्या हुआ था? तुम दोनों से दलील सुनना चाहूंगा। तू पहले बोल दर्शन, क्या हुआ था? ओ बताना नहीं चाहता है, इसने कुछ मुझे बोला। मैं किसी का वकील बनूंगा। क्या हुआ साला, अभी हंसने लग गए? ये क्या भाई तुम्हारा, हंसते हो कभी रोते हो? एक सेकंड, क्यों कर रहा था बच्चे को परेशान? देखो अभी उस बच्चे, अबे सबके बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है यार, किसी के बच्चे को पकड़ ही ले रहा है। छोटू ठीक है ना? मैं ओपी। ओपी तो फिर झगड़ा क्यों करते हो यार खाली फोकट का? वीडियो ऑन होने पे सब लोग हंसने लग जाते हैं, दरों बरोबर है कि नहीं? सही है, मत करना, अच्छे से रहना, समझा भाई तू बड़ा है ना।
समझा आराम से। मेरे क्लास में बंदा। अच्छा हाइट थोड़ी बड़ी लगी मेरे को इसलिए बोला, समझा उसको अच्छे से। दर्शन बच्चों का पीछा करना छोड़ दे, बच्चा उठाने वाला समझ लेगा कोई। एक चप्पल उठा के मारूंगा इधर से। चप्पल उठाई देखो भाग गया। आप सामने आ सामने आ सामने। मैं शांति से घर पे जा रहा था और एक दोनों की झगड़ा देख के मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। दर्शन अब छोटा बच्चा बन चुका है। अरे मेरा दोस्त है सीरियल किलर। सीरियल किलर है भाई, छोटे बच्चों का सीरियल किलर। चलो मैं बता घर पे जा रहा था शांति से। ये कौन बोल, छोटे बच्चे हमको धमका के जा रही है यार आजकल के समाज। दर्शन उसके पीछे पड़ गया यार। दर्शन अब छोटा बच्चा बन चुका है, कोई नहीं अब कुछ कह हो नहीं सकता दर्शन का। हम तो सीधे अपने घर पे जाएंगे। बता मैं घर पे जा रहा था, गाड़ी जैसे पार्क की वैसे ही मैं शोर सुना कोई बच्चा रो रहा है और जाके देखा तो इन लोगों का झगड़ा। छोटी छोटी बातों पे कौन झगड़ा करता है यार। बता क्या किस टॉपिक पे झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने बताया नहीं, मुझे बाद में मालूम पड़ा दो लोगों से कि दर्शन उसके कंधे पे हाथ रखा, जोर से दर्शन ने खाली हाथ रख दिया तो बच्चे को आया गुस्सा, बच्चे ने दर्शन को दिया धक्का और फिर दर्शन की तो खिसक गई। वैसे भी खिसकल आदमी है वो दर्शन, थोड़ा दर्शन की खिसके दर्शन ने दिया उसको धक्का और फिर दोनों में फाइट चालू। सो घर पे आ गया, मम्मी ने पूजा भी हो गई, कर लेते खाना, खाते हैं। यहाँ पे मूंग की आमटी और साथ में रोटी और यहाँ पे चावल, चलो खाते हैं। सो गाइज मेरा वर्क तो आधा हुआ है, अब मुझे और रात भर पूरा वर्क कंप्लीट करना है। सो उसके लिए मुझे आंखों आ रही है नींद, उसके लिए मुझे सोना नहीं है, मुझे उसके लिए कितनी बार बोल दिया यार मैंने इतने में। तो मैं अब बना रहा हूँ कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी बनाते, कॉफ़ी पियेंगे तो मस्त मूड फ्रेश रहेगा। सो हमने यहाँ पे कॉफी का पाउच ले लिया, इसको करते हैं कट। कट कटता ही नहीं है भाई। सो यहाँ पे अपनी मस्त कॉफ़ी बन चुकी है, चलो इसको पीते हैं और फिर काम पे बैठते हैं क्योंकि मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 10 बजे ही मुझे नींद लगनी चालू हो जाती है, मैं ऐसे 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 क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न है ना और ठंडी के सीज़न में तो नींद आती है, आप सबको पता ही है, सब लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं यार। सो कोई नहीं, कॉफ़ी पीते हैं और काम करते हैं। तो पूरा सो गया है और काम चल रहा है भाई। अभी तो रात के 12 बज चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़े अपने ऐप ले लेते हैं 12 से 3 का, फिर 3 बजे उठ जाएंगे वापस और फिर वापस कंप्लीट करने बैठ जाएंगे। सो इस ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और सभी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर डाल ही देना। हम आपको मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।